वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो आप अपना लक्ष्य मत बदलिए, उस तक जाने का रास्ता बदलिए। हो सकता है कि पहले वाले रास्ते पर आप जाकर सही रास्ता ना चुन पाए हों, तो अपने लक्ष्य को कभी मत बदलिए। आप अपने लक्ष्य को कभी मत बदलिए, आप उस रास्ते को बदलिए जिस पर आप चलकर पहली बार गए थे, उस रास्ते लक्ष्य पर। तो दोस्तों, हम वैसे तो सभी लोगों में एक कंपटीशन चल रहा है सफलता का। आप जब भी देखें, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपना एक लक्ष्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश भी करते हैं और फिर भी हमें, हमें से अधिकांश लोगों को वो अपना लक्ष्य पाने में सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, याद रखिए एक हमेशा कि अपनी तरफ से 100% दीजिए उस काम में। सफलता मिलती है या ना मिलती है ये अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई भी काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी काम में, आप किसी से रिश्ते निभा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं जिंदगी का, अपनी तरफ से 100% दीजिए। क्या होता है कि इससे मुझे नहीं लगता है कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। आज से हो सकता है 10 साल बाद हम पछताएं कि काश हम ऐसा कर लिए होते, तो एक काश शब्द हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। कल ही परसों में एक आर्टिकल में एक स्टोरी पढ़ रहा था, मुझे लगा कि आप लोगों को भी उस स्टोरी को बताना चाहिए। दोस्तों, एक गांव में एक महान संत रहा करता था। वे बहुत चमत्कारी थे, वो संत जो थे बहुत बड़े चमत्कारी थे। पूरे गांव वाले उनके चमत्कार को मानते थे, जो गांव वाले रहते थे वहां उनके चमत्कार को बड़ा मानते थे, उन्हें पूछते थे। संत एक पैर से दिव्यांग थे, समझ रहे, एक पैर नहीं था, लेकिन जब जब वो नाचते थे तब तक बरसात होती थी उस गांव में। क्या होता था कि जब जब वो नाचते थे एक पैर पर, तब तक वो बरसात होती थी उस गांव में। पहले तो गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे गांव वालों को विश्वास होता गया उस पर कि जब संत साहब नाचते हैं तो उस समय गांव में बारिश होती है। गांव वाले संत को बहुत मानने लगे थे। अब जब गांव में कभी वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ती है, तब गांव वाले सब मिलकर इनके पास जाते हैं और इनसे जो भी मनोकामना होती है हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हकीकत बन गई थी कि जब भी संत साहब नाचते थे जरूर वर्षा होती थी। आप भी जानते हैं कि आप के आसपास भी आप लोग संत को मानने लगते हैं, पंडित जी जो भी होते हैं संत होते हैं। और उनके निवेदन के बाद बाबा जी अगर आप नाच जाएं यानी कि डांस कर दें तो वर्षा हो जाएगी, गांव खुशहाल रहेगा, खेती पानी हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। लेकिन एक बार उस गांव में 4 लड़के घूमने आए, बाहर से किसी शहर से उस गांव में 4 लड़के घूमने आए। तो वो लड़के घूमते घूमते गांव में घूमे फिरे, उसके बाद उन्होंने गांव वालों के मुंह से इस संत की, मतलब जो संत हैं बाबा, इनके बारे में बड़ा सुना कि ये नाचते हैं तब वर्षा भी होती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो पता है उन लड़कों को भरोसा नहीं हुआ, वो हंसने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी अगर आप शहर में जाइए और अपने यहाँ की जो भी प्रार्थनाएं हैं उन्हें सुनाओगे तो वो लोग हंसने लगते हैं कि काश ऐसा भी होता है। अभी भी आपने देखा है बुंदेलखंड में हरदौल की मनौती होती है, जब भी आपके घर में कोई शादी होती है तो आप भी वहां जाते हैं और कार्ड रख के जाते हैं निमंत्रण कार्ड। अभी शहरों में बाहर कहीं आप दिल्ली फिल्ली बड़े बड़े शहरों में बात कीजिए, लोग हंसने लगते हैं कि ऐसी भी प्रथाएं होती हैं। अभी भी आप बुंदेलखंड इस ग्रामीण क्षेत्र में देखिए बहुत सारी प्रथाएं विद्यमान। उन्होंने, वो लड़के थे, उन्होंने गांव वालों का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि शहर के लोग आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हर फील्ड में उन्होंने तरक्की कर ली, यानी कि शहरों वालों ने, और आप लोग यहीं के यहीं पड़े हुए हो अंधविश्वासों में। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बाबा नाचे और बारिश ना हो, मतलब बारिश हुआ, आप समझ रहे हैं कि मतलब कोई बाबा नाच रहा है और बारिश हो जाए, ऐसा आप लोगों को भी नहीं लगता है कि संभव हो सकता है। अगर ऐसा हो तो हम भी बोल देते हैं कि आज हम सब नाचेंगे और तभी बारिश होगी। गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर उस संत के पास जाते हैं, किसके पास, उस बाबा के पास जाते हैं। कहते हैं कि बाबा जी ये शहर से आए हुए हैं,
और ये हमें कह रहे हैं कि आज हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। तो जो बाबा साहब थे आपके संत साहब, इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो पहले आप नृत्य करिए यानी कि नाचिए, उसके बाद मैं नाचूंगा यानी कि मैं नृत्य करूंगा। किसके नृत्य के दौरान बारिश होती है यानी कि किसके नाचने के दौरान बारिश होती है। पहले इन लड़कों ने शुरुआत की और कुछ टाइम तक नृत्य किया यानी कि नाचे, उसके बाद थक गए। एक एक करके सभी चारों लड़कों ने की, किसी के टाइम बारिश नहीं हुई नाचने के समय। अब बाबा जी की बारी आई। बाबा जी ने नृत्य करना शुरू किया, काफी देर तक वो नाचते रहे यानी कि नृत्य करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बाबा जी नृत्य में एकदम लीन हो गए, सुबह से शाम हो गई और बाबा जी रुकने का नाम नहीं लिए, समझ रहे हैं? अब दोपहर से शाम होने को जा रही थी, जैसे ही अचानक बादल घड़घड़ाने लगे यानी कि बोलने लगे और बारिश होने लगी जोरों से। लड़के भी चमत्कार को देखकर हक्के बक्के रह गए, उस संत के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब क्या है मेरा, आपको समझ में आया? जब उन्होंने संत से पूछा कि बाबा जी आपने चमत्कार कैसे किया, तब संत ने जो कहा उस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए और आपको भी अपनी जिंदगी में यही स्टेप फॉलो करना है। क्या कहा? कि मैं नाचता हूं, बाबा जी ने क्या बोला, मैं नाचता हूं तो ये सोचता हूं और मानता भी हूं कि बारिश होगी। दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं होती। तो दोस्तों, आप इस सफलता भरी कहानी से क्या मिलती है आपको सी? का कि आप लोग दो बातें हमेशा मान के चलिए। पहली कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्या शब्द लगा रहा हो, जरूर मिलेगी। और दूसरी बात, आप मेहनत तब तक करेंगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। अपने दिमाग में कभी भी मत लाइए कि आप सफल नहीं होंगे, आप 100% दीजिए, हो सकता है कि आप असफल ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसे पता हो कि हम हारेंगे इस क्षेत्र में, फिर भी वो डटा रहे लास्ट तक। तो अपनी तरफ से 100% देते रहिए, जो भी परिणाम हो उसे आप लोग स्वीकार कर सकते हैं, ठीक। ये हो सकता है कि इससे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, या हो सकता है कि लाइफ टाइम तक आपके मन में एक शब्द नहीं आएगा, काश मैं ऐसा कर लिया होता, काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लिया होता। जो भी परिणाम मिले हमें स्वीकारना चाहिए, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, दिमाग में जब भी आप ले आते हैं कि अगर हम फेल हो गए, हम असफल हो गए अपने इस क्षेत्र में, तो क्या करेंगे, तब मानिए ना मानिए आप उसी वक्त सफल असफल हो जाते हैं। समझ में आया? जब आपके दिमाग में विचार आने लगता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैंने क्या किया कि वो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मेरे दिमाग में बात आई कि चश्मा अगर मेरा टूट जाए तो मैं क्या करूंगा ऐसा। और आप मानिए या ना मानिए दोस्तों, दूसरे दिन मेरा चश्मा टूट जाता है। क्या होता है, मेरा चश्मा टूट जाता है। 1 से 1.5 महीने तक मैं बिना चश्मा का काम चलाता हूं। तो मेरे दिमाग में आया ना कि केस टूट जाए, आके ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और मैंने 1000 बार देखा है कि पता नहीं, या तो आप समझ सकते हैं फिजिक्स का नियम लगाइए, फिर चाहे आप लोग जो भी नियम लगाना, लेकिन हम जो सोचने लगते हैं वो होने जरूर लगता है। कि हम सोचने लगते हैं काश हम इस क्षेत्र में फेल हो जाएंगे, तो 100% मुझे लगता है कि फेल होना हमारा क्लियर रहता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि आप लोग 100% दीजिए, जो भी रहेगा परिणाम, क्योंकि जिंदगी तो खत्म नहीं होती है एक बार असफल होने से। देखिए, हमेशा लिखा गया है कि सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है। यानी कि ये मतलब नहीं रहता है आपकी सफलता का, ये चरण जिंदगी भर चलता रहता है। आप देखते हैं कि बुढ़ापे तक आप लोग कुछ ना कुछ सफल मतलब कार्य करते रहते हैं और सफलता पाने की। तो मुझे नहीं लगता है कि आप अगर एक क्षेत्र में फैल भी हो रहे हैं तो अपना दूसरा क्षेत्र चुनिए, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्र आप चुन रहे हैं पहले, उसमें 100% दीजिए, फिर चाहे आपका किसी के प्रति रिश्ता निभाना हो। आज सोचिए आप लोग कि आप अपना रिश्ता निभा रहे हैं किसी के साथ, आपकी तरफ से गलती हो जाती है तो आप सुधारिए अपनी गलती को। जो भी काम सॉरी से चले, अगर हाथ जोड़ने से चले, झुकने से चले, तो करिए ना, आपको पछतावा तो नहीं रहेगा कि काश आप ऐसा कर लिए होते। देखिए, इस धरती पर ना तो मेरा कोई अस्तित्व है, ना ही आपका स्थायी कोई। आज हमारी बारी है, कल आपकी, परसों किसी और की। अभी जितने मिनट में हम लोगों ने सोचा है, ये बात की है, इतने मिनट में कई 1000 लोग मर चुके होंगे, इस धरती से उठ चुके होंगे। तो समझ रहे हैं
कि मतलब आप अपनी तरफ से हर काम में 100% दीजिए, बाद में जो परिणाम होगा उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। तब तक मेहनत करनी है जब तक आपको अपने लक्ष्य नहीं मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों।